पाकिस्तान, एक ऐसा देश जिसकी जनता के पास ना खाने के लिए पैसा है ना रहने के लिए छत, लेकिन तब भी वो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता, क्योंकि उस पाकिस्तान ने अपने ही देश में ऐसे ऐसे कानून बना रखे हैं कि खुद उसकी जनता उससे परेशान है, इन कानूनों से परेशान है। महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है कि अब यूएन ने भी पाकिस्तान की कड़ी फटकार लगा दी है। दरअसल अल्पसंख्यक महिलाओं की सुरक्षा के मामले को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर निशाने पर आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने हिंदू और ईसाई महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दिए जाने को लेकर इस्लामाबाद की आलोचना की है। पाक जैसे देश में महिलाओं के साथ ऐसी क्रूरता हो रही है कि अब यूएन ने पाक की ही फटकार लगा दी है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों, विशेषकर ईसाई और हिंदू समुदाय से जुड़ी युवतियों और लड़कियों के लिए सुरक्षा की कमी पर एक्सपर्ट्स ने आक्रोश दिखाया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की जरूरत है। देश के हर एक वर्ग के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना होगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के उच्चायुक्त कार्यालय की ओर से इसे लेकर बयान जारी किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने कहा, ईसाई और हिंदू लड़कियों को जबरन धन परिवर्तन, अपहरण, तस्करी, बाल विवाह, जबरन शादी, घरेलू दास्ता और यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है। धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित महिलाओं और लड़कियों के साथ इस तरह के व्यवहार को उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस तरह की सभी घटनाओं पर तुरंत रोक लगाए जाने की जरूरत है। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान को संधि के अनुरूप अपने दायित्वों को बनाए रखना होगा। धर्म परिवर्तन जैसी घटनाओं पर तुरंत रोक लगाना बेहद जरूरी है। बता दें कि एक्सपर्ट्स ने इस्लामाबाद को ऐसे समय पर फटकार लगाई है जब खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के पास ऐतिहासिक हिंदू मंदिर को गिरा दिया गया है। बहरहाल अब पाकिस्तान के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान जैसे देश में जहां महिलाओं का सम्मान नहीं है, धर्म परिवर्तन जैसी पौराणिक घटनाएं जो अभी भी पाकिस्तान में मानो समा रखी हैं, सोचिए कि आखिर ऐसे देश का, पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश का, इस्लामिक देश का आखिर स्तर कभी कैसे बढ़ेगा? क्या पाकिस्तान का कभी कद बढ़ पाएगा? क्योंकि ऐसी जो घटनाएं पाकिस्तान में हो रही हैं, ये कई सवाल पैदा करती हैं। फिलहाल अब इस खबर पर और पाकिस्तान के बिगड़ते हालातों पर अब आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।